उदयपुर में कन्हैया लाल के एक दर्जी की दुकान में घुसकर हत्या करने के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ साथ प्रदर्शनकारी राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की देख कर कर रहे हैं मांग। भागलपुर राजस्थान के उदयपुर में नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने वाले दर्जी की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े हत्या करने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर स्टेशन चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और ऐसा कृत्य करने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही साथ भागलपुर शाखा के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही सरकार को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। इस दौरान भागलपुर शाखा के बजरंग दल, भागलपुर इकाई और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से उचित राशि मुहैया कराने के आदेश भी दिए जाए। इस मामले को लेकर राजस्थान के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में यह बवाल आग की तरह फैल गई है। भागलपुर में बजरंग दल के जिला संयोजक ने कहा कि उदयपुर में दिन दहाड़े हिंदू युवक के इस्लामिक जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर हत्या की गई। इसका वीडियो जारी किया और भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देकर देश की संप्रभुता को चुनौती दी गई है। इस घटना से हिंदू समाज आहत हुआ है और निर्मम हत्या को लेकर पुतला दहन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भागलपुर शाखा के बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। शांति और सौहार्द बनाए रखने को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर स्टेशन चौक पर एसडीएम धनंजय कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, तिलका मांझी, ततारपुर कोतवाली थानाध्यक्ष भी कड़ी सुरक्षा को लेकर अपने दलबल के साथ पुख्ता इंतजाम के साथ लगे हुए थे। हमारी मांग है कि इस कन्हैया लाल जी के परिवार को और उनको पूरी तरीके से पूरी न्याय मिले और जो भी उनके हत्यारों कड़ी से कड़ी सजा जाए। हमारी संगठन, हमारी परिषद इस हत्या की बहुत कड़ी भर्त्सना करती है। ये तालिबानी शासन यहाँ नहीं चलेगा, देश को संविधान चलना पड़ेगा और हम लोग चाहते हैं कि इसकी एनआईए की गठित की जाए या जो भी कमेटी गठित की जाए, लेकिन हत्यारों पकड़ के जितनी कड़ी से दी जाए ताकि आगे आने वाले लोगों को सबको सबक मिले कि ऐसी बातें यहाँ देश में नहीं चलेंगी और देश संविधान से चलेगा और ऐसी तालिबानी शासन देश नहीं चलेगा। जय श्री राम। मेरा नाम संतोष सिसोदिया। ये उदयपुर की जो मृत्यु की घटना हुई है जिसमें एक अपराधी जेल भी गया है, उसके तहत अगर यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है उसके सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन और साथ में सिविल प्रशासन की तरफ से भी लोग तैनात हैं और बैरिकेडिंग में किया गया है जिससे मतलब कोई भी सुरक्षा को बाधित करने के लिए कोई भी ऐसा कोई कदम ना उठा पाए।